ध्यान क्या है और ध्यान की आवश्यकता क्यों है। ध्यान की अनेक परिभाषाएं दी जाती हैं, लेकिन वास्तविक ध्यान है मन का पूरी तरह से मौन हो जाना, जिसके लिए सांख्य दर्शन में कहा गया है ध्यानम निर्विषयम मन, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। निर्विषय का अर्थ है पदार्थ पार, सरल रूप से कहे तो सारे संकल्पों और विचारों को छोड़ देना, पूरी तरह से मन का शांत हो जाना। जब हम कुछ सोचते हैं तब दुनिया हमारे सामने रहती है, नहीं सोचते हैं तो भी दुनिया रहती है। जब सोचते हैं तब हम दुनिया से जुड़ते हैं, ख्याल करें। इस समय अभी वर्तमान में आपको अपने घर की जिस वस्तु की याद नहीं है उसके लिए आपको कोई सुख या दुख है? जिसकी जिसकी याद होती है उसके उसके लिए ही सुख दुख का अनुभव होता है। वो पदार्थ अपनी जगह पर है, मिट गई है, कोई उठाकर ले गया है, बिगड़ गई है या कुछ है, इसके आपको कोई याद नहीं है, तो उसके लिए कौन सा दुख है आपको और कौन सा सुख भी है आपको? सारा सुख और सारा दुख यादगिरी में है, ख्याल में है, सोचने में है। न सोचें तो न सुख है न दुख है, शांति है, अपने आप में होना है। तो मूल बात है ध्यान है मन का मौन होना, शांत निर्विचार होना। लेकिन ये अंतिम स्थिति की बात है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है। ध्यान कुछ न करना है, निर्विषय होने का मतलब कुछ न करना, लेकिन न करने का मतलब निकम्मा और आलसी होकर के बैठना नहीं है। न करने का मतलब है मन का कुछ न करना, अर्थात मन का कुछ न सोचना, ये अंतिम ध्यान है।
एब्सेंस ऑफ थॉट्स, विचारों की अनुपस्थिति, कोई विचार मन में ना होना, ये ना करना है। हमारा शरीर यहाँ बैठा है, बाहरी रूप से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन से हम बहुत कुछ करते रहते हैं। किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, तो मैं भी करते हैं मन से, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाजार में जा कर के सौदा खरीदते हैं, बेचते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं मन से बैठे बैठे। शरीर का करना उतना बंधन का कारण नहीं बनता जितना मन का करना बंधन का कारण बनता है। और मन करना बंद कर दिया तो शरीर का करना आपका बंधन कारण नहीं बनेगा, तब आप मुक्त भी हो सकते हैं। तो कुछ न करना ध्यान है, लेकिन कुछ न करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। ध्यान के लिए पहली आवश्यकता है खान पान आहार विहार में संयम, सात्विकता, संतुलन। सात्विक भोजन हो, संतुलित हो। और वैसे केवल ध्यान के लिए नहीं, स्वस्थ होकर के जीना है, स्वस्थ होकर जीना है उसके लिए भी भोजन का ज्यादा से ज्यादा सात्विक, संतुलित और सुपाच्य होना आवश्यक है। अधिक गरिष्ठ भोजन, तला भुना हुआ, खटाई मिठाई तेल घी आदि से भरा भोजन स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता है, अहितकर होता है। हमारे शरीर में अधिकतम बीमारी खान पान के असंयम के कारण होती है। तन से और मन से, दोनों से स्वस्थ रहने के लिए भोजन सात्विक हो, सुपाच्य हो और संतुलित हो। व्यवहार भी संतुलित हो, उलझन पूर्ण व्यवहार, राग द्वेष पूर्ण व्यवहार, कर्ता पूर्ण व्यवहार, ये ध्यान में बाधक है। मन उलझा हुआ है, कर्ता से भरा हुआ है, राग द्वेष से भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है, तो ध्यान क्या होगा? बैठे रहेंगे आप, लेकिन मन उद्वेगित होता रहेगा। व्यवहार संतुलित, मर्यादित होना चाहिए। करना धरना जो भी है वो भी ईमानदारी पूर्वक, सेवा भाव से हो। सब में संतुलन, गीता में कहा गया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त का मतलब है उचित, संतुलित। जब आहार विहार, सोना जागना, करना धरना, चलना फिरना, सब के सब संतुलित, तब योगो भवति दुःखः, तब योग ध्यान साधना दुख का नाशक बनेगा, तब दुख का नाश करेगा। खान पान आहार विहार
सोना जागना करना धरना व्यवहार सब संतुलित होना चाहिए ध्यान के लिए। फिर आवश्यक है मन की एकाग्रता। हर समय हमारा मन चंचल बना हुआ है, बहिर्मुख बना है, भाग रहा है। मन जितना चंचल होगा उतना जीवन दुखों से भरा होगा। मन जितना एकाग्र होगा, स्थिर होगा, अंतर्मुख होगा, दुख उतना घटा होगा, सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। हर आदमी का यह अनुभव है कि मन बहुत चंचल है, पुरानी पुरानी बातों सोचता रहता है। मन की चंचलता है क्या? हर आदमी कहता साहब मन तो बहुत चंचल है, बेईमान तो भागता है, ठहरता नहीं है। मन का भागना क्या है, चंचलता क्या है? सहज भाषा में कहें तो जिस समय जिसकी आवश्यकता न हो उस समय उन बातों को सोचना, बराबर उनकी याद करते रहना, यही मन का भागना है और यही मन की चंचलता है। अनावश्यक चिंतन, नकारात्मक चिंतन, विकारात्मक चिंतन, समय वृद्ध चिंतन, ये मन का भागना है, ये मन की चंचलता है। उदाहरण ले लें, जैसे आप यहां बैठे हैं, ध्यान साधना का अभ्यास करने के लिए बैठे हैं, लेकिन यहां बैठ करके आप घर के बारे में सोच रहे हैं, कुछ कर पाएंगे? कितना भी आप घर के बारे में सोचें, कितने भी आप अपनी दुकान के बारे में सोचें, कुछ कर पाएंगे यहां बैठे बैठे? जब कुछ कर नहीं पाएंगे तो सोच क्यों रहे हैं, बेकार हुआ ना। ये आपके चंचलता है, किसी की बात हो। यहां बैठे हैं और किसी मित्र की याद कर रहे हैं, याद करने से वो दौड़ करके यहां आ जाएगा कि आप पहुंच जाओगे? यही चंचलता है। इसलिए मैंने कहा जिस समय जिसकी आवश्यकता न हो उस समय वह बात सोचना, ये मन का भागना है और चंचलता है। और इससे होता क्या है, हम अपने वर्तमान से कट जाते हैं। ध्यान वर्तमान में होना है, ध्यान वर्तमान में जीना है। और मन सोचता क्या है, पुरानी बातों को, जो देखे हैं, सुने हैं, खाए हैं, पिए हैं, भोगे हैं, वो सब पुरानी पुरानी मुर्दा बातों को मन सोचता रहता है। या आगे के लिए कल्पना करता रहता है, पुरानी बातें जितनी हैं मुर्दा है। अब मुर्दा को आप जितना निकाल निकाल करके देखोगे, मुर्दा तो सड़ेगा, दुर्गंध फैलाएगा और बीमारी का कारण बनेगा। मुर्दे को दफनाने में ही कुशलता है। इसलिए जो कुछ अच्छा बुरा रहा है दफना दें, याद ना करें। याद करना भी है तो प्रेरणा लेने के लिए। बीते समय में, भूतकाल में
कोई गलत काम आपसे हो गया है, उसकी याद होती है, तो संकल्प करें कि अब आगे उस गलत काम की पुनरावृत्ति मैं नहीं होने दूंगा, उस गलत काम को मैं दोहराऊंगा नहीं, सदा के लिए छोड़ देता हूं। ये संकल्प कर लो, बस खत्म मामला। क्योंकि गलत काम आपने किया, दुख आपको हुआ, अपमान आपका हुआ, हानि आपकी हुई, फायदा क्या हुआ? कोई अच्छा काम आपने किया तो सोचे अच्छा काम मैंने किया था, मेरा मन प्रसन्न हुआ था, अब मुझे बराबर ऐसे अच्छा ही काम करते जाना है अपनी प्रसन्नता के लिए, ये संकल्प कर ले उस, बस इसके लिए आप गलत काम से बचने के लिए और अच्छे काम में लगने के लिए आप पुरानी बातों की याद करते हैं तो सार्थक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी ने हमें गाली दे दी है, किसी ने हमारा अपमान किया है, किसी ने हमारी प्रशंसा की है, किसी ने हमारी निंदा की है, कहीं गए हैं, कहीं कुछ खाने को मिला है, कुछ देखे, बस उन्हीं की बात याद करें, क्या मतलब उसका? इसलिए सारी मुर्दा बातें दफना दें, जो कुछ हुआ है सब भूल जाएं, भविष्य क्या होगा सपना है, कल्पना है, काम करते चले, आपका जैसा पुरुषार्थ होगा और प्रारब्ध होगा, जीवन का गुजर होता चला जाएगा, जीवन व्यतीत होता चला जाएगा, चिंता करने की और भयभीत करने की, भयभीत होने की कोई जरूरत है नहीं। कुछ कल्पना नहीं करो, क्या है सपना तो है, जो बीत गया मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है। ये गुरुदेव जी की पंक्तियां हैं, बीता वो मुर्दा, आने वाला सपना, क्या पता अभी सांस बंद हो जाए सब खत्म, तो मतलब क्या होता है सोचने का? वर्तमान, वर्तमान में क्या करना है ये सोचो। सदगुरु श्री पूरन साहब ने कहा है, भूत भविष्य सब देहु बहाई, वर्तमान में वर्तो भाई। भूत भी छोड़ो, भविष्य भी छोड़ो, वर्तमान में वर्तो। तो ध्यान वर्तमान में होना है, वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जियोगे तो दुनिया की कोई हलचल आपको परेशान नहीं करेगी। वर्तमान में जीना सीख जाएंगे तो मन में ना टेंशन होगा ना डिप्रेशन होगा। सारे टेंशन और डिप्रेशन का कारण है या तो भूत की स्मृति या भविष्य की कल्पना। वर्तमान में जियो, सदैव वर्तमान में सोचो, किसका टेंशन किसका डिप्रेशन। तो वर्तमान में जीना अपने में होना है। हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो चेतना है, वो भूत नहीं होता कभी। हमारा होना, हमारा स्वरूप कभी भविष्य भी नहीं होता, सदैव वर्तमान होता है। ध्यान वर्तमान में होना, इसलिए केवल अभी बस एक सेकंड पहले की बात मुर्दा, एक सेकंड आने वाला है वो भी सपना, तत्काल अभी बस प्रेजेंट में जीना। अब प्रेजेंट में जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, कोई सुख नहीं कोई दुख नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा, होए बिहिष्ट जो चित न डोलावे। आदमी यदि अपने चित्त को अर्थात मन को चंचल न करे तो अभी जहां आप बैठे हैं वहीं आपको स्वर्ग और मोक्ष दोनों मिल जाएंगे।
और चित्त चंचल है तब नरक। इसलिए ध्यान की शुरुआत में पहली आवश्यकता है मन की एकाग्रता। और एकाग्र का अर्थ क्या होता है? एक अग्र, मन के सामने कोई एक विषय होना। जैसे आप सबको कहा गया कि आप सांस देखो, सब भूल जाओ, सांस देखो, केवल सांस है तो एकाग्र है आप। और सांस जहां से मन हटा कुछ और चीज आ गई। तो एकाग्र मतलब होता है मन का किसी एक बिंदु पर स्थिर हो जाना। अब मन एकाग्र है किसी, बिल्कुल बेकार बात नहीं सोच रहा है, प्रसन्नता में जीवन जिएंगे। और दो चार बात सोच लिए तब अपने से हट गए। इसलिए साहब कहते हैं यदि मन को चंचल ना करो तो अभी इसी क्षण स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। कोई चिंतन ही नहीं है, अपने में है बस, कोई बंधन ही नहीं है, ये जीते जी मोक्ष का अनुभव हो जाए, कोई भी कर सकता है, हर आदमी कर सकता है। मैंने कहा था पहले कोई याद ही नहीं है तो दुख किस बात का, बस अपने में है। याद कर करके हम अपने आप को बिखेरते रहते हैं, बेचते रह जाते हैं। अब बेचते बेचते इतना बेच देते हैं कि हमें हमारा कुछ भान ख्याल रहता ही नहीं है। इसलिए हर समय एकाग्र, जिस समय आप जो काम कर रहे हों उस समय मन को उसी पर केंद्रित करो। पढ़ने आप बैठे हैं, मन को उसी पर ही एकदम कंसंट्रेट कर दीजिए, उसी पर एकाग्र कर दें। थोड़ा ही पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे बढ़िया समझ में आएगा और दिमाग में बात बैठ जाएगी। पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ वहाँ आंखों घुमाकर देख भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, पढ़ते तो चले जाएंगे लेकिन समझ में बात नहीं आएगी। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो चर्चा छः छः घंटा पढ़ते हैं लेकिन जाते हैं परीक्षा में तो सब भूल गए होते हैं। लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन दिमाग चंचल। और कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो बहुत नहीं पढ़ते, घंटा दो घंटा ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छे मार्क्स आ जाते हैं उनके। क्यों? वे कंसंट्रेट होकर के पढ़ते हैं, एकाग्र होकर पढ़ते हैं, डूब करके। ध्यान रखें, किसी भी काम में सफलता चाहिए तो दो बातों पर ध्यान देना जरूरी है, उसके प्रति डेडिकेशन हो और डिवोशन हो। बिना डेडिकेशन और डिवोशन के कुछ नहीं हो सकता। समर्पण और भक्ति, श्रद्धा। ध्यान में ही आपका डेडिकेशन नहीं, समर्पण भाव नहीं है, डिवोशन नहीं है, श्रद्धा नहीं है, बैठे रहेंगे दो दिन चार दिन छह दिन, कुछ होने वाला है नहीं। समर्पित भाव से श्रद्धा पूर्वक एकाग्र हो करके आप काम करोगे। खाने बैठे हो, एकाग्र के मन को उसी खाने में आप एकत्रित कर दो तो आपका भोजन करना, खाना खाना ध्यान बनेगा। पढ़ने बैठे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ाई में पूरा का पूरा मन को एकाग्र कर दो, समर्पित कर दो, पढ़ना ध्यान बन जाएगा। भोजन बना रहे हैं उसी में ही प्रसन्नता पूर्वक भोजन बनाओ, डेडिकेट हो करके, तो भोजन बनाना पूजा बन जाएगा, वो भी ध्यान में सहायक हो जाएगा।
लेकिन हमारा मन हर समय चंचल, पूजा करते समय भी चंचल। कितने लोग पूजा करते रहते हैं और बार बार घड़ी भी देखते रहते हैं, मन पूजा में है कि घड़ी में है कि काम में है। तो एक समय में ये काम मन को एकाग्र करने के लिए बहुत बढ़िया साधन है। जिस समय जो कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, घर भुला दो, घर में क्या हो रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ कुछ याद भी मत करो, करो जो कर रहे हो करो। ऑफिस से छुट्टी हुई, ऑफिस भुला दो। जब ऑफिस के लिए निकलो घर से, तो घर को घर में छोड़ दो, ऑफिस में मत ले जाओ। और ऑफिस छुट्टी हुई तो ऑफिस को ऑफिस में छोड़ दो, घर में मत ले जाओ। घर को ऑफिस में ले गए, बढ़िया काम नहीं बनेगा। ऑफिस को घर में ले आएंगे, पत्नी कुछ कहेगी, झड़क कर बात करोगे, क्योंकि ऑफिस को घर में ले आए हो। घर में आओ तो ऑफिसर या क्लर्क बन करके मत आओ, और ऑफिस में जाओ तो बेटा पति या पिता बन करके मत जाओ, दोनों गड़बड़ हो जाता है। तो एक समय में ये काम देखो, मन एकाग्र हो गया नहीं होगा। तो ध्यान का प्रारंभिक अर्थ है मन की एकाग्रता, ध्यान का अर्थ है वर्तमान में जीना, ध्यान का अर्थ है अपने में होना, और ध्यान का अर्थ है ऊर्जा का संचयन, एनर्जी का संचयन। हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप बैठे हैं, हमारे शरीर की ऊर्जा खपत हो रही है। हर काम में ऊर्जा लगती है, शक्ति लगती है। जितना आप नकारात्मक सोचोगे, कोई वासना है, मैंने काम की वासना है, क्रोध की वासना, लोभ की वासना, उत्तेजित है मन, जब जब भी कोई विकार मन में आता है, शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, क्योंकि ऊर्जा का अधिक खपत हो जाते होते हैं। लेकिन प्रेम, दया, क्षमा, संतोष, ज्ञान, विवेक, विचार में मन डूबा हुआ है, प्रसन्न है मन, ऊर्जा की खपत कम से कम होती है। सकारात्मक विचार करो, प्रसन्नतापूर्वक सोचो, ऊर्जा लग तो रही है लेकिन बहुत कम। किसी भी काम को आप प्रसन्नतापूर्वक करो, श्रद्धा भाव से करो, न शरीर जल्दी थकेगा न मन थकेगा, क्योंकि ऊर्जा कम लग रही है उसमें, शक्ति कम लग रही है। और किसी काम को आधे अधूरे मन से करो, खींच करके करो, जबरदस्ती करो, शरीर जल्दी थक जाएगा और मन जल्दी थक जाएगा, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा लग रही है। तो हर काम में हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, तन और मन की ऊर्जा है, वो खर्च होती रहती है। लेकिन जब हम कुछ नहीं करते, शांत बैठ गए, मन को बाहर से समेट लिए, मन ने सोचना बंद कर दिया, ऊर्जा संचित होती चली गई, बचती चली गई। सकारात्मक विचार और मन की एकाग्रता, ध्यान के द्वारा जो ऊर्जा हमारी बचती है, फिर वह ऊर्जा काव्य में, कला में, ज्ञान में, विज्ञान में, संयम में, साधना में, भक्ति में जब लग जाती है तो अद्भुत काम करती है। अब देखते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक कितने एकाग्र होकर के काम, बाहर सब कुछ वो भूल जाते, सब कुछ वो भूल जाते हैं, पूरी दुनिया भूल करके वो विज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, किसी किसी खोज में लगे रहे, तब
इतनी खोज वे कर पाते हैं। यदि वे चंचल मन के होते, दस तरफ उनका मन बटा होता, तब वो इतनी खोज नहीं कर पाएंगे। खाना पीना वो सब भूल जाते हैं, बस जिस में उनका जिस जिसको खोज कर रहे हैं उसी में ही मन को लगा कर रखे हैं। एडिशन के लिए कहा जाता है कि वो सुबह घर से निकलते थे और शाम तक अपने प्रयोगशाला में बैठे रहते, काम करते रहते थे। दोपहर के समय उनकी पत्नी टिफिन लेकर के आ जाती थी और रख देती थी। पता नहीं ये कब छुट्टी मिले, कब खाए ना खाए, कब तक बैठे रहे। जब उन्हें फुर्सत मिलती थी तब वो काम बंद करके आते थे और खा लेते, फिर अपने काम में लग जाते थे। एक दिन वो किसी विशेष काम में लगे हुए थे एडिशन, उनकी पत्नी टिफिन लेकर के आई, रख दी और चली गई। थोड़ी देर पश्चात एडिशन का मित्र आ गया, वो भी भूखा रहा होगा, देखा भोजन रखा, टिफिन रखा हुआ है, निकाला और खा गया और खाकर चला गया। इधर एडिशन का काम पूरा हुआ, आया चलो भोजन कर लूं, देखा भोजन तो है, अरे मैं भी कैसे भूला करूं, भोजन कब के कर लिया मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो क्यों डूबे हुए थे मन में, मन काम में। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो काम करते हैं चंचल मन के नहीं होते, वे बहुत एकाग्र मन के होते हैं, बल्कि एक कहना चाहिए वो ध्यानी होते हैं एक प्रकार के। कोई लेखक होता है, जितना मन उनका एकाग्र होगा उतना बढ़िया उनका लेख बनेगा। जितने बढ़िया मन एकाग्र होगा उतनी बढ़िया कविता बनेगी। किसी मूर्ति बनाने वाले को देखो, जितने एकाग्र होकर मूर्ति बनाएगा सुंदर से सुंदर मूर्ति बनेगी। तो ये मन की एकाग्रता विद्यार्थियों के लिए, ऑफिस में काम करने वालों के लिए, कलाकार के लिए, लेखकों के लिए, कविता कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, सबके लिए आवश्यक है। और फिर साधकों के लिए तो आवश्यक है ही। वैज्ञानिकों की खोज बाहर की ओर है, साधकों की खोज भीतर की ओर है, लेकिन दोनों को एकाग्र मन की आवश्यकता है, दोनों को ध्यानार्थी होने की आवश्यकता है। तो ध्यान ऊर्जा का संचयन करना है। जितना हमारा मन एकाग्र रहेगा हमारी ऊर्जा बचेगी, फिर उस ऊर्जा को सेवा साधना में लगा करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरों को प्रसन्नता दे सकते हैं। और अंततो गत्वा सारे दुखों से छुटकारा पाना है तो ध्यान की आवश्यकता है। मैंने कहा था कि ध्यान अपने ओर लौटना, अपने में होना, कुछ ही याद नहीं, अपने में होना। जैसे आप रोज सोते हैं, जब गाढ़ी नींद लग जाती है कुछ याद रहता है आपको? न सुख न दुख, न हानि न लाभ, न मान अपमान, सब कुछ भूला हुआ है गाढ़ी नींद में, कुछ भी याद नहीं। याद है मतलब नींद नहीं है, कुछ भी याद नहीं होती प्रगाढ़ निद्रा में। लेकिन कितनी शांति रहती है, क्यों? जब हम जागते हैं तब दुनिया से जुड़े हुए होते हैं, दुनिया में जीते हैं, दुनिया में होते हैं। और जब सपना देखते हैं
तब भी दुनिया में जीते हैं, दुनिया में होते हैं, सपना भी क्या है? जो कुछ हमने देखा सुना है, जिनके संस्कार मन में एकत्रित वही विकृत होकर दिखाई पड़ते हैं। तो जागृति और स्वप्न दोनों में हम दुनिया में होते हैं, दुनिया में जीते हैं, लेकिन न जागृति न स्वप्न है, प्रगाढ़ निद्रा है, सुसुप्ति, तब हम अपने में होते हैं, स्वयं में होते हैं, अपने से जुड़े हुए होते हैं। इस जब अपने से हम जुड़ जाते हैं तो पूरी कितनी गहरी शांति होती है, यह अनुभव तो हर आदमी कर रहा है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में सुसुप्ति को कहा गया है स्व अपीति, गाढ़ी प्रगाढ़ निद्रा को सुसुप्ति कहा गया है, और सुसुप्ति की परिभाषा दी गई है स्व अपीति, खुद को पाना, अपने में होना। जब तक याद है तब तक दुनिया है। जैसे नदी के दो तट, जहां से नदी शुरू होती है वहां देखा, जहां तक नदी समुद्र मिलती है वहां तक, नदी के दोनों तट आपस में कभी नहीं मिलते हैं शुरू से आखिर तक, और तट मिल गए मतलब नदी खत्म हो गई। तालाब के तट जुड़े होते हैं आपस में, इसलिए तालाब का पानी गंदा हो जाता, नदी जुड़ी, नदी तट जुड़े नहीं होते। लेकिन एक पुल बना दो तो पुल नदी के दोनों तटों को जोड़ने का काम करता है, ये उदाहरण है। ऐसे ही जीव और जगत, जीव हम खुद हैं, जगत है दुनिया है, हम और दुनिया दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला पुल है हमारा मन। और मन का मतलब संकल्प, याद, चिंतन, स्मरण। मन से हम दुनिया से जुड़ते हैं, गाढ़ी नींद में हमारा मन शांत रहता है, दुनिया अपनी जगह पर होते हुए भी हमारे लिए नहीं होती है, हम अपने में होते हैं ना उस समय। ऐसे ही जागते जागते साधना अभ्यास द्वारा मन को मौन कर दो, सोचना बंद, दुनिया अलग, हम अलग, अपने से हम जुड़ गए, अपने को हम पा गए, और अपने को पा गए, कौन दुख कौन पीड़ा, सब क्लेश समाप्त, पूरी शांति है। तो ध्यान है अपने में होना, अपने में लौटना, अपने में जीना। और जो अपने को पा गया मानो उसने सब कुछ को पा गया, अपने में जी, जो जी रहा है उसका दुख खत्म हो गया है, इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है। तो ध्यान है मन की एकाग्रता, ध्यान है मन का संकल्प विकल्प रहित हो जाना, ध्यान है ऊर्जा का संचयन, और ध्यान है अपने में लौटना, अपने में पाना। और इस सब का फल है प्रगाढ़ शांति, आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्त, आत्मशांत, आत्मस्थिति, दुखों की पूरी निवृत्ति, चाहे व्यवहारिक क्षेत्र हो चाहे परमार्थिक क्षेत्र हो। जो जितना अधिक ध्यान का अभ्यास करेगा उसके तन मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, व्यवहार और परमार्थ का काम वो बढ़िया ढंग से करेगा, और सारे दुख क्लेश से छुटकारा पा करके आत्मतुष्ट, आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त और आत्मशांत होकर के जीवन जिएगा। थोड़ा समय बाकी है, सभी लोग शांत होकर के, एकाग्र होकर के बैठें, ध्यान का अभ्यास करें।
आंखें बंद स्थिर आसन से बैठना है, हिलना डुलना नहीं है, कुछ देखना भी नहीं, कुछ सोचना भी नहीं। जो कहा गया था सांस देखने का काम, वो सांस देखने का ही काम अभी करें। सब भूल जाएं, केवल सांसों को देखें। अहम् शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्, अजराहम् अमराहम् अखंडम् अनूपम्, अहम् शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्, अजराहम् अमराहम् अखंडम् अनूपम्, अहम् शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्, अजराहम् अमराहम् अखंडम् अनूपम्, अहम् शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्, अजराहम् अमराहम् अखंडम् अनूपम्।